सो हेलो गाइज, मैं लेकर आपके लिए फिर से एक नए कमाल की वीडियो लेकर। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी वीडियो देखने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3.6% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और 96.4% लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा की तरह आज की भी वीडियो बहुत ही जबरदस्त बनी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फनी फनी क्वेश्चन से फनी फनी आंसर देना है, आपको जो लगता है वो आप बोल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को लेकर सीरियस नहीं देना है, ठीक है? और ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब क्वेश्चन पूछते ही आंसर देना है, जो दिमाग में आता है वो कंपलसरी आंसर देना, मतलब करेक्ट आंसर देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुषों में बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं? पुरुषों में बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं, बताओ। अरे हम पहले बोला ना आपको, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज है बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं? हाँ भैया बोलो। ऐसी कौन सी चीज? हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सी चीज महिलाओं पुरुष में बढ़ती है लेकिन महिला में नहीं बढ़ती? मतलब प्यार, प्यार प्यार बढ़ने वाली चीज नहीं है, दोनों में बढ़ता है ना। वो चीज है मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का है वो। सो बताओ पुरुषों की बढ़ती है। हाँ हाँ बोल सकती हो, आपके दिमाग में जो आता है ना वो बोल सकती हो, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? अच्छा दाढ़ी के हेयर्स, दाड़ी के हेयर्स, हाँ तो बढ़ते हैं ना हेयर्स। तो लड़कियों की बियर्ड, बियर्ड नहीं, बियर्ड लड़कियों की भी होती है, बियर्ड नहीं होती क्या? होती है पर उतनी नहीं होती जितनी लड़कों की होती है। लेकिन और कुछ है क्या जो लड़कों में बढ़ती है लेकिन लड़कियों में नहीं? कुछ नहीं, दाढ़ी दाढ़ी बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, महिलाओं में नहीं बढ़ते? महिलाओं को दाढ़ी नहीं आती ना, नहीं आती, नहीं आती, मैंने तो देखा है कभी। किसी किसी महिलाओं को तो आती है, सभी महिलाओं की नहीं, हाँ उनको आती है, पर वो महिला में नहीं आती, महिलाओं को नहीं आती, उनकी तो इसमें गिनती आती है, दाढ़ी या फिर मूछ, ये सही आंसर है। ओके सो सेकंड क्वेश्चन है, उस चीज का नाम बताओ जो लड़की पहले तो छुपाती है फिर पैसे लेकर दे देती है। दिल, 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 तो दे देती है कभी कभी, दे देती है पैसे लेकर, दिल देती है मतलब मैं आपको पैसे दूंगा तो आप मुझे अपना दिल दे दोगे? नहीं दूसरे कोई कोई, सभी लड़कियां पैसे लेकर ही देती है, नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसी चीजें हो छुपाती है फिर पैसे लेकर दे देती है, कभी आपने किया है ऐसा? नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, सच में भाई आपको पता होगा? हाँ पता, किसी को दिया है क्या पैसे? नहीं मैंने तो नहीं दिया किसी को। यस बोलो ना, सीरियस बना है, मैंने पहले ही बोला है। बोलो से नहीं नहीं, इट्स ओके, पता है लेकिन बोलना नहीं है, वही पता है। ओके कुछ ना कुछ तो बोलो आप, ऐसे मतलब चुपचाप मत रहो, शांत मत रहो, ठीक है? बताओ यस बोलो बोलो भैया बोलो बोलो, क्या बोलूं? क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं कि उसका आंसर मेरे पास है पर दूसरा आंसर है। बोलो बोलो उस चीज का नाम बताओ जिसे लड़कियां पहले तो छुपाती है, पहले छुपाती है फिर पैसे लेकर दे देती है, पैसे लेकर दे देती है, पैसे लेकर देती है, पैसों से काम होता है। यस बोलो 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 बोलो, कुछ तो आ रहा होगा ना मन में, भैया बोलो बोलो, नहीं नहीं सिर्फ आप स्माइल कर रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछिए। ओके तो इसका आंसर नहीं बताना आपको, सच में नहीं बता, ये भैया को बताए लेकिन बोल नहीं रहे। ओके सो इसका आंसर बता देता हूँ मैं, वो है जूते, शादी में क्या सोचा, मीनिंग अलग था। ओके ओके सो थर्ड क्वेश्चन है, बदन से गोरी छेद को काली, बताओ ऐसी चीज बदन से गोरी छेद को काली, ये क्या है? वो पेट की गुटली काली खबर होती है ना, कोई काला है, बदन पूरा गोरा रहता है, छेद को काला नाक नहीं, आँख, आँख नहीं नहीं नहीं, आँख नहीं नहीं, आँख राइट आंसर नहीं, अरे यार कान,
इसमें आग कान नहीं है, बदन पूरा गोरा रहता है और उसकी जो छेद रहता है, छेद छेद रहता है वो काला रहता है। तो छेद आँख में तो छेद नहीं है ना भैया, कान में तो है, नाक में भी, नाक में भी होता है, नाक में भी होता है, अरे नाक में भी होता है ना छेद, छेद होता है लेकिन काला रहती है ना, वो काली काली होती है, बदन पूरा गोरा होता है उसका। बोलो भैया कुछ हिंट दे सकते हो? हिंट क्या दूं भाई, हिंट देने वाली चीज नहीं, बहुत इजी आंसर है इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बताओ कौन रहती है ऐसी, बदन को गोरी काली रहती है, छेद काला रहता है इसका। पेंगुइन, पेंगुइन, नहीं नहीं पेंगुइन नहीं, कुछ हिंट एनिमल, हिंट हिंट क्या दूं? आपने देखा है खुद, आपको एक्सपीरियंस भी होता होगा। बोलो भाई, छेद काला होता है, देखा है क्या आपने? देखा तो होगा ही। मुझे हिंट यानी कि क्या है क्या नहीं, हिंट देने वाली चीज नहीं है, बहुत इजी है, आपको पता भी होगा। नहीं नहीं नहीं, पाइन एप्पल में एप्पल वगैरह कुछ नहीं है, मतलब फ्रूट वगैरह नहीं है। So, animal है क्या? नहीं, animal, animal बोल सकती है क्या उसे? animal बोल सकती है क्या? और क्या बोलो बोलो, बदन से गोरी, बदन पूरा, समझ गया मैं, पर अभी तुम बोल नहीं सकते। नहीं नहीं, बस बताया ना, कान नाक और कान नाक आँख नहीं है, क्या हो सकता है? बताओ, चेस्ट, चेस्ट, चेस्ट नहीं, चेस्ट नहीं, छेद होता है ना, छेद, छेद ऐसी चीज बतानी हो आपको, सो नहीं बोलना आपको, नहीं पता, नहीं मतलब आंसर नहीं पता आपको, नहीं सच में कुछ भी नहीं आ रहा, पता है जो बस पता है, नहीं नहीं पता है बोला जो है, नहीं पता है हमको। ओके, सो उसका आंसर है बैलगाड़ी की चाक, मतलब बैलगाड़ी की चाक, बैलगाड़ी की चाक जिसे मराठी में भौरी बोलते हैं, बैलगाड़ी की चाक जो होती है ना, वो जो पूरे व्हाइट होते हैं और उसका जो छेद होता है उसका, उसमें वो वंगन बोलते हैं, वो डाला होता है तो वो ब्लैक होता है ना, बैलगाड़ी की छेद मतलब चाक है वो। तो ये उसका राइट आंसर था। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जो अपने घर से हमेशा नंगी निकलती है? ऐसा भी होता है बिना कपड़ों के, वही रात में उल्टे पैर वाली हमेशा निकलती है अपने घर से नंगी, बताओ? चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया नहीं, बिना कपड़ों के निकलती, नहीं नहीं नहीं, नंगी निकलती है, नंगी निकलती है मतलब फीमेल ही होंगी कोई ना कोई, बताओ कौन है वो? बोलो बोलो, बोलना है, कुछ भी नहीं बोल रहे, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ तो बोलो, अब सवाल ऐसा कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? बोल दो, जो लगता है वो बोल सकते हो आप। घर से नंगी निकलती है ना? हाँ, नंगी निकलती है। कौन निकलती है बताओ? निकलती है बट कपड़े पहन के निकलती है, बता बता है, नंगी भी देखा होगा आज तक नहीं। यस मैडम बोलिए, बोलो कौन है वो? बिल्ली, कुत्ती बिल्लू तो है ही नहीं वो। नहीं पता। अपने घर से निकलती है, उसका खुद का घर होता है और वो अपने घर से नंगी निकलती है। पैर? नहीं नहीं, पैर, पैर तो नंगे पैर से निकलते हैं ना। कौन सा घर होता है? अरे यार, घर हमारा नंगी नंगी नंगी, फीमेल है वो, फीमेल बताओ कौन है वो? बताना यार, हमेशा नंगी निकलती है। बच्चे, बच्चे, अरे नहीं यार, कपड़े गाले दिखते ना, और कपड़े गाले दिखते ना, दिखते कौन है? कौन है बताओ? यस बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, आप कुछ भी नहीं बोल रहे। अरे बताओ, ये कुछ भी नहीं बोल रहे, स्माइल कर रहे हैं, कुछ तो बोलो, कुछ तो आ रहा होगा ना मन में? नहीं आ रहा कुछ। हमेशा नंगी निकलती है, आप सोच ज्यादा रही है। हां वही, नहीं है बिल्कुल भी, बोल ले Okay. तो भी नंगी कौन निकल सकती है? देखो भाई, कभी देखा है आपने नंगी निकलती हुई? नहीं, आप ही बता, बोल दो ना कौन है वो, कौन है, कौन है, किसको देखा? चुड़ैल। चुड़ैल को किसने देखा? चुड़ैल वो तो नाम की चुड़ैल होती है, देखा किसने ने नहीं? ठीक है आप ही बता दो। आपने भी देखा है, वो नंगी ही निकलती है। देखा है क्या किसी को? तो नंगी निकलती है। आप तो निकलते हैं। जान दो खत्म। नहीं मालूम, बताओ आप ही बताओ। सो
उसका आंसर है तलवार। कैसे? तलवार जो रहती है ना तलवार, okay, okay, वो okay, तो उसका समझ गई कैसे? बताओ बताओ। मतलब जो रहता है ना, हाँ, उसका जो घर होता है वो उसका घर होता है और वो अपने हमेशा अपने घर, मतलब नगी निकलती ना, ये उसका राइट आंसर था। ओके सो वीडियो बन गई है, तलवार वीडियो बन गई है, वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यूट्यूब पे जाएगी। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।